मैथ्यूथन okay. फोर्टी और आज के कलाम का अनु आज के जो कलाम है वो है मत्ती की किताब दस बाब में से मैथ्यूथन फोर्टी टू फोर्टी थ्री मत्ती की किताब दस बाब चालीस से बयालीस आयत यू रेडी लेट्स रीड आई हम हम ऑल टुगेदर तिलावत करें जो तुमको कबूल करता है दार्य यकफान जाना वो मुझको कबूल करता है और जो जो मुझे कबूल करता है वो मेरे भेजने वाले को कबूल करता है जो नबी के नाम से नबी को कबूल करता है साले नबी का अजर पाएगा और जो रास्ता पास के नाम से रास्ता पास को कबूल करता है

and reward khuda uh, ka faisla aur ajr this is the last week last sunday lord's day of the year today aur uh, ye hafta jo hai ye khuda aaj ka din jo hai is saal ka akhri hafta hai aur akhri ibadat ka hafta when you finish something in times of finishing something uh you may look back what you have done so far. Or when you finish something, we You know, you may think, "Oh, this is uh, something you may have something regretful, or oh, this is quite. I have done this well." और शायद आप बात सोचते हैं कि वो जो माजी में मैंने काम किया है उसके लिए आप अफसोस ज्यादा होते हैं अफसोस करते हैं या आप उसके लिए करते हैं कि इस माजी के काम को मैं बेहतर तरीके से कर सकता था बट वी स्टैंड बिफोर गाड life. We may look back our whole life. तो इसी तरह जब हम खुदा के सामने होते हैं तो हम अपने जब साल का ख... अपनी जिंदगी को खत्म करेंगे तो हम खुदा के सामने होंगे और अपनी पिछली जिंदगी को देख रहे होंगे कि हमने क्या किया गुजरी जिंदगी में क्या ख्याल है खुदा हमें कैसे देखेगा अगर हम आज के लम्हे से देखें मतलब खुदा to की नज़र में लाइक यू गि हंड्रेड इय ओल्ड क्या ख्याल है मिसाल के तौर पर आप अगर सौ साल से भी ज्यादा जीते हैं आप सोचते हैं मैं सौ साल से ज्यादा जी तो इफ़ यू लीव फॉर हंड्रेड ईयर एंड हाउ मनी ले अगर आप सौ साल भी जिंदा रहें तो क्या चीज है जो रह जाएगी हाउ मेनी इयर्स मतलब कितने साल अभी रह गए हैं अगर आप 100 साल भी जीते हैं तो और कितने साल रह गए हैं वन ऑफ द एल्डर्स इन आवर चर्च ही वाज रियली इन गुड शेप एंड ही पास्ड अवे व्हेन ही वाज 60 इयर्स ओल्ड एक हमारे चर्च का एल्डर थे वो मतलब बड़े अच्छे थे जिस्मानी बाहर से अच्छी हालत अच्छी शक्ल में थे लेकिन 60 साल की उम्र में वो इंतकाल कर गए माई फ्रेंड माई मिनिस्ट्री और इसी तरह एक और मेरा दोस्त जो के मेरे साथ ही था अंजिल की मुनादी हम इकट्ठे करते, करते थे वो 25 साल की उम्र में इंतकाल कर We don't know when God will call us हम heaven. नहीं जानते खुदा हमें कब बुला बट

गिनी कितने साल रह गए हैं बाकी दैर यून यूर आउट ऑफ ये वाकई में अपने सालों को गिने ईमानदारी गुने, गुने, से तो फिर आप इस चीज़ का तयन करेंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और मैं क्या कर रहा हूँ अपनी जिंदगी में क्या अहम है करने के लिए

Uh, the introduction. I am um, Taruf ki What is sin? guna uh, kya Who will go to heaven and who will go to hell? guna kya Or dozak mein koun jaega? Or Khuda ki People may think, oh, maybe uh, I have done. I have committed so many sins, so maybe I will, I will have to go to heaven. i will go to hell. And some people might think I I have been living without sin and I have done so many good deeds for the poor people, so maybe और शायद लोग ये सोचें कि क्योंकि मैंने गरीब लोगों की बहुत सी मदद की है अपनी जिंदगी में और बड़े अच्छे नेक काम किए हैं तो मैं खुदा के बादशाह में जाऊंगा और में आखरत के दिन क्यामत के रोज हमने खुदा के सामने खुदा के हजूर खुदा के सामने खड़े होना है अपने अपने आप को लेकर तो क्या ख्याल है कि खुदा हमें क्या कहेगा that's जब all हम उसके सामने होंगे ये जो सारे uh, मैार हैं ये मजहबी मैार हैं नेक काम और वगैरह वगैरह you know, और ये मतलब बिल्कुल मजबी लोग इस तरह से कहते हैं कि अगर तुम तुम नेक अमल करोगे तो खुदा की में जाओगे और था कि मैं जो मसीह लोग हैं उनसे भी पूछता हूँ सवाल पूछता हूँ कि क्या तुम समझते हो कि तुम खुदा की बादशाहत में जाओगे मुझे एक याद है इंडोनेशियन लड़का था उससे मैं अंजील की मुनादी कर रहा था तो उससे मैंने ये सवाल पूछा क्या तुम्हारा क्या ख्याल है तुम खुदा की बादशाह में जाओगे मुझे नहीं पता शायद नहीं। I have done, so many sins. तो मैंने बड़े से गुनाह किए हैं अगर आप गुनाह को दरअसल दुरुस्त तरीके से नहीं जाने तो शायद आप ये कहें जैसा उस लड़के ने इकरार किया why, तो क्या समझते हैं आप गुनाह है क्या गुनाह का मेयर क्या है इट स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिनल sin. गुनाह का जो असल है गुनाह का जो शुरू होता है वो हकीकी गुनाह से शुरू होता है अज़ली गुनाह फ्रॉम एडम एंड ईव वो गुनाह जो हुक्म अदूली थी आदम और हवा ने की आफ्टर दे कमिटेड sin, ऑल ह्यूमन वी वर बोर्न एज अ सिनर और आदम और हवा की गुनाह की हुक्म अदूली की वजह से जितने भी बनीनु इंसान पैदा हुए हैं That's original sin. And we are committing actual sins in our daily and lives. If you, and if you worship idols, then the curses will go, to your, go down to your. और अगर आप बुध परस्ती करते हैं तो बुद्ध परस्ती करने की वजह से वो ही गुना जो है वो हमारी अगली जो नस्ल है, आने वाली नस्ल पुष्ट में उनमें जाता है वो उसके वो लानत उनमें चली जाती है जिसे हम कहते हैं अब के गुना सो इफ यू लाइफ

मेयर जो है वो यहां पर है गुना इफ यू वॉश दो हाउ मेनी और अगर आपके गुना धुल जाएं, आपके गुनाह धो दिए जाएं, तो कोई मसला नहीं कि आपके गुना कितने थे या कितने किए हैं क्योंकि वो गुना धुल गए साफ हो गए इफ यू है

खून में है या नहीं है ये मेयर है असल मेयर फुट द ब्लड इन योर सोल तो क्या करना है हमने uh, मसीह का खून अपनी रूह पे लेना है दैट्स द स्टैंडर्ड ये है मेयर ये है राइट right. असल तरीका हाउ कैन यू फुट द ब्लड ऑफ जीसस इन और अभी यहां पर सवाल ये पैदा होता है कि हम मसीह का खून अपने पर कैसे ले सकते हैं टू बिलीव दैट जीसस डाइड for your sins or can is iman is per iman raknasi kemasi mere liyamasluhuwa and to believe that he rose again from the dead or is per iman raknagae vo dubara jiutega and when you believe that jesus is the only way not two or three only way to god or iman raknagae yessu ही सिर्फ एक रास्ता है ना कि दो या तीन रास्ते सिर्फ एक रास्ता तो फिर आप नजात है, नजात way, पा सकते हैं ये वो रा, रास्ता है जिसके जरिया से हम मसीह का खून अपने पर ले सकते हैं अंजील दिस इज दोस्ट फ्रेश on earth. ये सबसे कीमती अंजील है इस ज़मीन इस रोह है ज़मीन पर. There's nothing more important than the gospel that we possess. ये इससे अहम और कुछ भी नहीं जो कि हम थामे रहें. If you possess that gospel before God, calculate the days left for you in your life. अगर हम अंजील में हो, अगर अंजील में हैं, तो फिर अंजील में होने से अगर हम अपने दिनों को गुने के हम खुदा के सामने कैसे मसीह के पेश होंगे इफ आई वुल डाई व्हेन आई एम 60 इयर्स ओल्ड एंड आई एम ऑलमोस्ट अ टू थर्ड ऑफ माय लाइफ और मिसाल के तौर पर मैं अगर 60 uh, साल की जिंदगी में इंतकाल कर जाता हूं तो दो तिहाई ही अपनी जिंदगी का मैं जी चुका हूँ आई मोर तो अगर yeah. मैं मतलब साठ साल की उम्र में इंतकाल करूँ तो मेरे पास सिर्फ बीस साल और hmm. हैं फ्रॉम दिस प्लेस और शायद यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो कि बहुत जल्द जाने वाले हैं If you die 60, when you're 60 years old <laughs> then what would you do for your, to make your life most valuable? who is the leader The leader is someone who can think 10 years after, 100 years after, ahead of time. रहनुमा कौन होता है रहनुमा वो होता है जो 10 साल आगे की सोचे 100 सो साल आगे की सोचे वो होता है रहनुमा जो मुस्तकबिल को देख सके मुस्तकबिल क्या होगा बट वी कैन नॉट थिंक ऑफ अ डे अहेड ऑफ टाइम पर हम जो हैं वो हम हम पर हम अगला दिन भी नहीं देख सकते डू यू एग्री विद मी क्या आप मेरे से एग्री करेंगे सो वी हैव टू सी अहेड ऑफ टाइम तो हमने अगले वक्त को देखना है आने वाले वक्त को वी विल हैव वी 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 मस्ट हैव द द आइज टू सी आवर लाइफ अहेड ऑफ टाइम और हमने उस अपनी जिंदगी में रहते हुए वो वक्त को देखना है जो आने वाली है Let's जिन्दगी. get टू द नंबर वन और आइए हम अग, ए, पहले नुक्ते की जानिब चलें God's concern। और पहला क्या है खुदा की दिलचस्पी खुदा हमारे किस मामलों में खुदा दिलचस्प है यू नो व्हाट डू यू थिंक

I don't preach the gospel to anybody around me. I don't even preach the gospel to my family. That's okay. You may hold on to the covenant today, start, starting from today. God, you may use my life to preach this gospel. और आप ये अहद कर लें कि एहबाब मैं अपने आप को आपके सुपुर्द करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आप मेरी ज़िंदगी इस्तेमाल करें अंजील की मुनादी के लिए अगर आप इस को थामे इस अहद को अपनी ज़िंदगी में कबूल करें तो खुदा रस्ते बनाता है कि जिस के ज़रिया से हम अंजील की मनादी कर सकते हैं

होश करने वाली है इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पल द वो विल कम अपॉन मी और ये लिखा हुआ है अगर कुछ खबरी ना सुनाऊं तो मेरे ये फखर करने की बात नहीं मेरे पे यू विल बी कर्स्ड बाय गॉड इफ यू डोंट प्रीच द गॉस्पल और दूसरी बात लिखी है कि अगर मैं कुछ खबरी ना सुनाऊं तो मैं खुदा की तरफ से लानती लानते मुझ पर आएंगी व्हाट इज दिस अफसोस होगा मुझे क्या है ये I'm tell you this. मैं आपको इसकी थोड़ी सी तफसीर बताना चाहता हूँ और रिच कोई मसला नहीं कि आप कितने जहीन कितने अमीर और कितने तालीम याफ़्ता हैं no Bible, और कोई मसला भी ये भी नहीं कि कितने वक़्त आप अंजील को पढ़ते हैं If you are not involved in evangelism and missions, then you have nothing to do with God. और अगर आप अंजील की मुनादी के मिशन में नहीं हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में कोई आमियत नहीं. Have you correctly translated? Uh, repeat. Okay. In if you are not doing the evangelism and missions you have nothing to do with god you have no relationship with god because you're not interested in what god is interested in क्यों क्योंकि आपकी दिलचस्पी और खुदा की दिलचस्पी दोनों मुख्तलिंग so, तो खुदा की जिंदगी में दिलचस्पी नहीं लेगा Can you get what I mean? मतलब, आप मतलब समझ रहे हैं जो मैं समझाना चाह रहा हूँ तो फिर दरअसल मेरे कहने का बताने का मकसद ये है

और आए हम मरकज की किताब दस बाप उन मरकज की किताब उनतीस दस बाप उनतीस से तीस आयत आए हम तलावत करें यसु ने said, कहा मैं से से say से say कहा you, हूं। no ऐसा कोई नहीं घर या भाइयों या बहनों father, या माँ father, बाप children, या खेतों को मेरी खातिर और अंजीर की खातिर छोड़ दिया not हो। not और अब इसका जमाना में सो गुना ना पाए घर और भाई और बहने और माए और बच्चे और खेत मगर जुलम के साथ और आने वाले the आलम आलम में हमेशा की जिंदगी समझे अगर आप अपने घराना को अंजील की मनादी के लिए छोड़ देते हैं तो आप बरकत को पाएंगे क्या ख्याल है आपका आप ऐसा कर सकते हैं But that doesn't mean that. Like, example. If you if you really uh, love the gospel, okay, you cannot be self-centered. Okay. Agar samjane ka mukhsad. Example. Agar ab waki me angel me hai. तो फिर आपकी जिंदगी का मरकज जो है वो आप खुद नहीं होंगे वी टेक गॉस्पेल फॉर माइसेल्फ मतलब आ, फिर मैं अंजील को अपने लिए लूंगा वी टेक द गॉस्पेल फॉर आवरसेल्फ्स फिर मैं अंजील को लूंगा हमारे सबके लिए सेल्फ सेंटर्ड बी सेंटर्ड मतलब हम हम तमाम लोगों का जो मरकज हो अंजिल वो और me. मेरा मरकज हो अंजील।

ये जो जाल है ये शैतान की तरफ से है बुना गया बनाया गया इफ़ यू रियली स्टेक योर लाइफ फॉर द गॉस्पल देन यू विल डिवोट योर योर लाइफ फॉर द पीपल फॉर द सोल्स दैट हर्ड ऑफ द गॉस्पल और अगर आप वाकई में अंजील में रहें और अपनी जिंदगी को अंजील के लिए वफद कर दें तो आपके आप जो है खुदा की बरकत को पाएंगे and, and saw, आप जरूर खुदा की बरकत को पाएंगे culture, he, he aban और मैं ऐसे कुछ मुबशरों को जानता हूँ जिन्होंने जो मुस्लिम सकाफत के लोग हैं उनमें अंजील की मुनादी की और ऐसा करने की वजह से वो अपने घर वालों से अलग होना पड़ा उन्हें yeah, it's, it's story, but... मतलब अपने घर को छोड़ना पड़ा हाउ डू थिंक ये बड़ी uh, सुनने में बड़ी दुखी कहानी लगती है क्या ख्याल है आपका हाउ डू यू थिंक अबाउट दिस बाइबल वर्स तो हम इस आयत को कैसे लेते हैं इट्स नॉट टू अबैंडन योर लाइफ योर फैमिली और यहां पे ये नहीं लिखा कि हम अपने क्या लिखा है यहां पे के घर या भाइयों या बहनों को माँ माँ बाप या खेत को मेरी खातिर छोड़ना खातिर छोड़ देना you choose the gospel, although your family abandoned you. कैसे कि मतलब मेरा घर जो मेरे जो घराना है वो उसका इनसार मेरे पर रहे पर मैं अपने घराने की अप अंजील की खातिर अपने घराने को छोड़ देता हूं इस तरह से बताया जा रहा है दैट्स हाउ मच यू लव द गॉस्पल एंड डिवोट योर लाइफ फॉर द गॉस्पल ये वो नजराना है जो कि अपनी हम जिंदगी में दे सकते हैं अंजील के लिए और हमारा इससे हम अपनी मतलब मोहब्बत का इजहार है ये ये आयत हमें बता रही इफ यू डू सो गॉड विल डेफिनेटली सेव योर फैमिली आई मीन और अगर आप <laughs>

आपको पता है लव्स तारीख हिस्ट्री का डू यू नो द सेंटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ आपको पता है कि इस जमीन इस रूह जमीन की जो मरकज है हिस्ट्री का तारीख का वो कौन है वट इज देंटर ऑफ द हिस्ट्री कौन है क्या क्या है इस इस रू जमीन की तारीख का तारीख का मरकज तो कास्पा अंजिल राइट

मतलब दुनिया में बहुत से वाकियात और भी होते हैं पर वो अहमियत के हामिल नहीं होंगे मतलब अंजील जो है वो कहाँ जा रही ये अहम होगा खुदा का ध्यान वहां पर होगा जहां पर अंजील है उस जगह पे उस खिते में God's eyes are concentrated on the evangelist who preached the gospel in Pakistan. खुदा जो है खुदा अपने मुबशर जो कि अंजील की मुनादी कर रहा है खुदा का ध्यान उस पर होगा और उस खिते पे जहां पे अंजील की मुनादी हो रही होगी Who are you? और तुम कौन हो Are you an evangelist? क्या आप मुबशर हो अंजील की मुनादी करने वाले Are you the ones who possess the gospel and preach them? और क्या आप उनमें से हैं जो कि अंजील की मनादी कर सकें और अंजील को थामे और उसकी मनादी कर सकें आप, ए, to save your tribe, तो हम अपनी नजात के बायस बने अपने कबाइल के लिए to save the Southwestern Asia by the gospel. और हम नजात के बायस बने जुनूब मगरबी एशिया के Let's get into the conclusion. Or I am You may have remnant time. What is what is remnant time? Your prayer schedule. Ye Starting from the morning till the time that you go to heaven. और को कोर एक्सक्यूज मी मतलब ये वक्त कब से आगाज होता है इसका सुबह से जब आप उठते हैं और इसका खत्म कब होता है जब आप सोने लगते हैं बेड पे अपना इन द मॉर्निंग चेंज एवरी सिंगल थॉट दैट कम्स इन योर हार्ट इनटू प्रेयर हर सुबह हमने जो भी सोचे हमारे जहन में आ रही हैं उनको हमने तब्दील करना है उन सोचों को

और फिर अपने जो हमने हमने दिन गुजारा गुजार गुजार दिया है उसको हम दोबारा से देखें एंड पजस द आंसर्स अबाउट व्हाट हैपेंड इन योर डे आमीन और उस जब हम उन 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 दिन को देखें तो उनमें वो जो हमने दुआएं की हैं उसके जो जवाबात मिले उन्हें हम थामें देयर इज द कंप्लीट और आगाज करें दो हजार बाईस का यहाँ से your life will be completely changed. और इस तरह से आपकी जिंदगी जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाएगी Amen.

or ham anjil now may the grace of the lord jesus christ and the and unending love of god and the working of the holy spirit upon all the people who hold unto the covenant of today's message be both now and forevermore. amen. or now or जब तक हम आपके मोहब्बत के लिए आपका शुक्र गुजारें जो कि ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत है आपके फजल के लिए और अब से लेकर हमेशा तक हमारी मुलाकात होती रहे मिरा शुक्रिया